हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लावण्या एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारे लोगों के मुझे डीएम एंड रिक्वेस्ट आ रहे थे कि उनके माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन एंड उन्हें डार्क पैचेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, सो वो कैसे उसे नेचुरली रिमूव कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आज की वीडियो एंड टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इसी के ऊपर है कि आप उसे नेचुरली कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपने पिगमेंटेशन और डार्क पैचेस को आसान तरीके से कैसे रिमूव कर सकते हो। तो मैं एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इजी रेमेडी है। जस्ट बाय यूजिंग टू स्टेप्स में आप अपने पिगमेंटेशन को बहुत आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं इन 3 डेज। हाँ, 3 डेज मतलब आपको वीक में इसे 3 डेज यूज़ करना है एंड यू विल गेट फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल माउथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट रीज़न शेयर करने वाली हूँ कि आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है। सो हम अपने फेस का तो अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, पर हमारे माउथ के अराउंड जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है हम उस पर ध्यान नहीं देते। सो पिगमेंटेशन होने का मेन वन रीज़न है कि हम मॉइस्चराइज़र वहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते, स्क्रबिंग एंड फेस पैक हम वहाँ पे अच्छे से अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेन आपको यही करना है कि आपको अपने माउथ के अराउंड स्क्रबिंग एंड फेस पैक मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पे लगाते हैं तो उस पर भी अच्छे से अप्लाई करें, जिसकी वजह से आपको फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल माउथ आसान तरीके से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेस पैक के लिए आपको चाहिए बेसन, राइस पाउडर, लेमन जूस एंड टर्मरिक पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक बोल में रेडी कर लीजिए, देन उसमें लेमन जूस डाल दीजिए। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन इन सब का मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लीजिए एंड आपका स्क्रब प्लस मास्क इज़ रेडी नाउ। इस पैक को अपने इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कीजिए, लाइक इसे मैं अपने माउथ के अराउंड यूज़ कर रही हूँ। इस पैक में राइस पाउडर एंड बेसन ऐड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्लेंजर की तरह वर्क करता है, जो आपकी स्किन से डार्क स्पॉट एंड टैनिंग को जल्दी से रिमूव करता है। इस पैक में लेमन जूस भी है। लेमन जूस में काफ़ी अमाउंट में सिट्रिक एसिड होता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस पैक को लगाने के बाद आपको इसे 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है एंड आफ्टर 20 मिनट्स आप देख सकते हैं मेरा फेस पैक अच्छे से ड्राई हो चुका है। हमने जो लेमन ऐड किया था उसका आपको लेमन पील लेना है एंड उसे सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे घुमाकर आपको इस पैक को रिमूव करना है। गाइस, यू कैन मेक श्योर कि आप हार्शली इसे रिमूव ना करें, बहुत ही जेंटली आपको इसे रिमूव करना है। ये बहुत ही इजीली आपके फेस से रिमूव हो जाएगा। आपको इसे लेमन पील के थ्रू ही अच्छे से रिमूव करना है। अच्छे से पैक को रिमूव करने के बाद नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लें। गाइस, यू कैन सी कि मैं कैसे सर्कुलर मोशन में इसे रिमूव कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। एंड देन आपको ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करना है। एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। यू कैन सी मेरे पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए हैं एंड माई माउथ लुक मोर ब्राइटनर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग। आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइड्रेटिंग स्किन। हाइड्रेशन प्रोवाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे समर्स हो या विंटर्स। गाइज, आपको मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 10 से 12 सेकंड्स के लिए आपको अच्छे से मसाज करना है। एंड द वीडियो हेयर एंड। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले एंड उसे आप जल्दी से देख सके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सबके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।